सो स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.1 व्हिच इज़ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, क्योंकि इससे कई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो हमें करना तो पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है वो रेशो पे बेस्ड है, और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ रेशो में हमें मिनिमम दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, उनको हम कंपेयर करते हैं, बट कंडीशन रहती है कि दोनों जो भी क्वांटिटीज़ जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक एक सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर व्हिच इज 30 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, एक साइकिल एंड एक स्कूटर। ऑब्वियस है साइकिल स्लो चलेगी, स्कूटर फास्ट चलेगा, तो दोनों के जो यूनिट्स और फिगर दिए हैं वो हमको देख सकते हैं कि साइकिल का कम है और स्कूटर का ज़्यादा है। क्या यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, दोनों की स्पीड जो है किलोमीटर पर आर में दी है, तो हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, रेशो। रेशो निकालेंगे तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, क्योंकि इसका रेशो निकालना है टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 15 किलोमीटर पर आर अपॉन 30 किलोमीटर पर आर, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है तो मैंने नहीं लिखी। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, तो रेशो क्या आया, 1/2 और 1:2। मीन्स साइकिल और स्कूटर का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेशो है दैट इज 1:2। तो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन था। बी मैं यही स्टार्ट कर देती हूँ। बी इज 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। क्वेश्चन वही सेम है, फाइंड द रेशो। हमें 5 मीटर का रेशो निकालना है 10 किलोमीटर के साथ। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर है। आइदर यू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर और यू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर, तो विच इज़ वेरी इजी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना इज इजी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 10 किलोमीटर और भी इजी कर देते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 × 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, केवल यूनिट का कन्वर्जन किया। 1 किलोमीटर था उसको 1 किलोमीटर को हमने बताया कि 1000 होता है, तो 10 किलोमीटर होगा 10,000 मीटर। नाउ यूनिट्स आर सेम, सो रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10,000 मीटर। अब यूनिट सेम है तो हम कर सकते थे। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, 5 × 5 नीचे आ जाएगा 2000, और आंसर इज 1:2000 और 1/2000, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज सी, 50 पैसे 2 रुपीज़ 5, 50 पैसे 2 रुपीज़ 5। अगेन यहाँ पर दोनों यूनिट मिसमैच है, एक जगह पैसे के बारे में है और एक जगह रुपीस के। तो हम क्या करेंगे, आइदर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और रुपीस को पैसे में। तो कौन सा इजी होता है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी। तो वही सेम प्रोसीजर, 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 5 रुपीस इज इक्वल टू 5 × 100 मीन्स 500,
ठीक है, ये आ गया कन्वर्शन। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, केवल यूनिट कन्वर्शन किया है। अब क्या करेंगे, रेशो निकालना है हमें 50 पैसे टू रुपीस 5 था, बट नाउ आई कैन राइट 500 पैसे। एंड जैसा मैंने कहा, यूनिट हमेशा सेम होगी तभी रेशो सॉल्व होगा। तो हमने यूनिट सेम कर ली है, 50 वन ज़ा 50, 50 टेन ज़ा 500। सो इसका रेशो कितना आ गया, 1:10। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट केवल हमें क्या ध्यान रखना था, यूनिट के कन्वर्शन का, राइट। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज को आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, राइट, दिस इज माई परसेंटेज। रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट इज 3:4, सो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल राइट इन दिस वे, देन 3/4 × 100, क्योंकि वी नीड टू कन्वर्ट इन टू परसेंटेज। नाउ कैंसिल करेंगे, 25 25 3 75%। इससे इजी तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज 2:3, अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इन टू परसेंटेज। तो फर्स्ट हमने क्या किया, अपॉन में लिखा 2/3 × 100, इसको कट डाउन करेंगे तो 100 और 3 जब कट डाउन होंगे तो 33.333 एंडलेस आता जाएगा, तो मैंने टू डिजिट्स ले लिए 33.33, ठीक है, क्योंकि 100 कभी भी 3 से डिवाइड होगा, इट विल ऑलवेज गिव 33.333333333 एंड सो ऑन, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 66.66%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ थर्ड, यही हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, क्वेश्चन जो है, 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, सो हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ्स। सो व्हाट विल डू, हम सबसे पहले तो देखें 72% अगर गुड है तो 28 जो है वो गुड नहीं है, नॉट गुड इन मैथ्स है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि टोटल परसेंट हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, 100। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 72% अगर क्लास में बच्चे जो हैं वो गुड है तो 28% जो है वो नॉट गुड है, बट स्टिल हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 72% लिखेंगे, 72% स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड देयर आर टोटल 25 स्टूडेंट्स। तो हम 25 स्टूडेंट्स का 72% निकाल लेंगे, सो 72% ऑफ 25। क्यों हम 25 का 72% निकाल रहे हैं, बिकॉज जो पूरी क्लास है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 25। उन 25 स्टूडेंट में से कुछ गुड है और कुछ नॉट गुड है, तो जो गुड है हम पहले वो निकाल लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली नॉट गुड पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे लिख लिया, अब परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल डू, 72 बाय 100 इनटू 25,
फ्रैक्शन बना लिया, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, फोर से इसको कैंसिल किया, 4 वन ज़ा 4, 3 कैरी हुआ, 4 एट ज़ा 32, सो आवर आंसर इज 18, बट दीज आर गुड इन मैथ्स. तो ये क्या हुआ, 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स. अभी तो हमने केवल गुड निकाले हैं, जबकि हमें क्या कहा है, नॉट गुड. तो आप ऑब्वियस आंसर देंगे, मैम 25 माइनस 18 कर दीजिए तो नॉट गुड आ जाएंगे. सो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स. अब आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, टोटल स्टूडेंट्स माइनस गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू नॉट गुड इन मैथ्स. अगर हमने टोटल में से गुड माइनस कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिल जाएंगे, नॉट गुड. टोटल स्टूडेंट्स आर 25 माइनस गुड आ चुके हैं 18, मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स. अभी क्वेश्चन को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर वो पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स हैं, बट आई थिंक दे हैव आस्ड हाउ मैनी आर नॉट, अच्छा इतना ही पूछा है, बट स्टिल अगर वो परसेंटेज में पूछते कि कितने परसेंट स्टूडेंट गुड नहीं है, तो हम इसका परसेंटेज भी निकाल लेते हैं. हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, 7 आर नॉट गुड आउट ऑफ 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 फोर ज़ा एंड 7 फोर ज़ा 28%. ये ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नहीं है. 28% स्टूडेंट ऐसे हैं दोज हु आर नॉट गुड इन मैथ्स, और वो तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि जब 72 आर गुड मीन्स 28 आर नॉट गुड. तो ये जो एडिशनल स्टेप है, अगर वो कहते कि परसेंटेज निकाल के बताइए तो हम ये स्टेप भी करते, अदरवाइज हमारा आंसर क्या होता है, 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और हम ऐसे काफी सारे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, अ फुटबॉल टीम वॉन टेन मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. इफ देयर विन परसेंटेज विन परसेंटेज was 40%, then how many matches they have, how many matches did they play in all. क्वेश्चन में क्लियरली ये बताया है कि बहुत सारे मैच हुए, कितने हुए वो नहीं मेंशन किया है, बट जितने भी मैचेस हुए उनमें से फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते. ठीक है, लेट्स से 100 मैच हुए, 200 मैच हुए, तो उसमें से उन्होंने केवल कितने मैच जीते, 10 मैच जीते. तो वो जो लेट से हमने अज्यूम किया है वो हमें नहीं पता, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट से देयर आर एक्स मैचेस इन द गेम, क्योंकि एक्स मैच हुए हमें नहीं पता कितने हुए, उसमें से 10 उन्होंने जीते. अगर परसेंटेज वाइज उसे देखें तो नंबर वाइज हो गया कि उन्होंने एक्स में से 10 मैच जीते, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 40% मैच उन्होंने जीते. इसका मतलब क्या हुआ, 60% मैच उन्होंने हारे.
कितने में से वो हमें अगेन नहीं पता, तो हमें सबसे पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर एक्स, ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड बी एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। अब उस एक्स में से दे हैव वन 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% ऑफ एक्स इतने ही जीते हैं वो, मीन्स ये स्टेटमेंट विनिंग स्टेटमेंट है, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतने जीते हैं। और अगर नंबर वाइज देखें तो वो बोल रहे हैं 10 मैच जीते हैं, तो हमारी क्या फॉर्म हो गई, इक्वेशन फॉर्म हो गई, आइदर दे विन 40% ऑफ द टोटल और दे हैव वन 10 मैचेस, बोथ आर इक्वल, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, इक्वल हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, 100 ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई एंड 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 इंटू 100 अपॉन 40, 0 एंड 0 विल बी कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, 2 फाइव ज़ा 10, 2 फाइव ज़ा 10 एंड 5 फाइव ज़ा 25, मीन्स टोटल जो मैचेस की हुए थे गेम में, कितने मैचेस हुए थे, 25, जो भी टीम थी 25 मैचेस में से उन्होंने केवल 10 मैच जीते। अगर मैं यहाँ पर पूछूँ कि हाउ मैनी मैचेस दे हैव लॉस्ट, तो योर आंसर विल बी 15, बिकॉज वॉन दे हैव वॉन 10 मैचेस, स्टेटमेंट में लिख देते हैं, दे हैव वॉन 10 मैचेस एंड टोटल मैचेस जो हमने एक्स माने थे वो कितने आ चुके हैं, आर 25, सो दे हैव लॉस्ट 25 माइनस 10 मीन्स 15 मैचेस वो हार गए। ये तो मैं ऐसे एडिशनल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ था फुटबॉल टीम है वो 10 मैच जीती है आउट ऑफ द टोटल, और टोटल हमें नहीं दिया था तो हमने उसे क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया, 10 जो टोटल मैचेस में से जीता या 40% जीते, दोनों इक्वेशन क्या हुई, इक्वल हुई, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। हमने इक्वेशन फॉर्म करी, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल ली जो कितनी आई, 25 मैचेस, मीन्स जो भी कॉम्पिटिशन थी उसमें कितने मैचेस थे, 25। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी हर क्वेश्चन को दो तरीके से बताया था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी एक और तरीके से हम कर सकते हैं, दिस इज अल्टरनेट मेथड, जो आपको इजी लगे आप वैसा इसे सॉल्व करें। लेट्स से 100 मैचेस हुए, जब भी हमें कुछ नहीं पता होता है तो या तो हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं या हम क्या मान के चलते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी 100, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस MATCHES बी 100, ठीक है, ये तो सिर्फ हमने अज्यूम किया है कि मान लीजिए जो गेम था उसमें 100 मैच थे ना, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी 100, विनिंग परसेंटेज कितना है, 40% है, मींस 40 मैचेस दे हैव वन, दे हैव वन 40 मैचेस 100 के हिसाब से, वैसे 40 नहीं जीते हैं, 40% जीते हैं, मींस 100 से अगर कंपेयर करें तो दे हैव वन 40 मैचेस। अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, 40 मैच अगर वो खेले हैं, 40 मैचेस दे हैव वन, देन द टोटल मैचेस वॉस, क्या अज्यूम किया है हमने, 100। अगर वन मैच वो जीते हैं तो क्या होगा, टोटल मैचेस वॉज 100/40, एक्चुअली वो कितने मैच जीते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 मैच जीते हैं, तो इफ
ये सब हमें स्टेटमेंट में लिखना है यूनिटरी मेथड के। तो इफ दे वांट 10 मैचेस देन द टोटल वाज 100 बाय 40 इनटू 10। इसको हम कैंसिल करेंगे, सो योर आंसर इज टोटल 25 मैचेस। देखिए इससे भी आ गया, इससे भी आ गया। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने वहां एक्स अज्यूम किया है, यहां 100 अज्यूम किया है, और जो विनिंग परसेंटेज 40 था उसको हमने 40 मैच ले लिया है, क्योंकि 40% 100 का मींस 40। ठीक है, तो अब आपको ये ठीक लगे तो आप इससे करिए, ये ठीक लगे तो आप इससे करिए। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताई। नाउ वी हैव सॉल्व फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, चमेली, इफ चमेली हैड हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग सेवेंटी of her money, how much did she have in the beginning? हमने ऐसे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन किए हैं, बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो चमेली हैड लेफ्ट मींस उसके पास कुछ रुपए बचे हुए हैं। कितने रुपए बचे हुए हैं? 600 रुपीस बचे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पहले बहुत ज्यादा होंगे, लेट से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 कुछ भी, उसमें उसने एक्सपेंडिचर करने के बाद हाउ मच ही हैज लेफ्ट, 600 रुपीस लेफ्ट। तो सबसे पहले तो उसके पास कितने रुपए थे हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, आइदर 100 वाला मेथड लगाएंगे और एक्स वाला। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट से शी हैड एक्स रुपीस, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। लेट द चमेली हैड एक्स रुपीस इन टोटल। ठीक है, इन टोटल और इन द बिगनिंग, जो भी आपको स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आप आपके हिसाब से और अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से शी हैड एक्स रुपीस, क्लियर हो गया। अब इन एक्स में से सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद शी हैज सेव्ड और शी हैज लेफ्ट 600 रुपीस, ये आपको क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखें, जो उसने स्पेंड किया That is 75% means इस x का 75% she has spent, the how much she has saved 25%, क्योंकि जब भी हम percent की बात करते हैं तो total हमारा percent कितना होता है 100, अगर 75 good है तो 25 not good है, अभी just हमने question किया, अगर 75 spend किया है तो 25 save किया है। तो सबसे पहले हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, she has spent 75% in all। ठीक है, so she has saved 25%। अगर आप 75 चीजें खर्च कर देते हैं तो 25 आप सेव कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ हमें सेविंग परसेंटेज मिल गया। अब ये सेविंग परसेंटेज जो है 25% ऑफ टोटल जितना भी था उसका 25% उसने सेव कर लिया, एंड दैट अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन विच इज 600। सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद चमेली के पास फाइनली कितने रुपए बचे हैं? 600 रुपीस बचे हैं।
मीन्स उसकी सेविंग जो है वो कितनी है 25% और उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है 75%। तो हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। आप डेफिनेटली पूछेंगे मैम यहाँ 75 क्यों नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ 75% ऑफ एक्स लिखती तो वो तो स्पेंड मनी होता, 75% स्पेंडिंग है, तो यहाँ पर ये 600 फिर नहीं आ सकता था बिकॉज इट इज सेविंग, शी हैज लेफ्ट, इतना उसके पास बचा हुआ है। तो अगर यहाँ बचे हुए की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी बचे हुआ ही लिखना पड़ेगा। इक्वेशन का बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी पता है 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 600। सो एक्स इक्वल टू 600 इंटू 100/25। 25 4 100, 6 4 2400 रुपीज। मीन्स चमेली को जो टोटल पैसे थे या रुपए थे उसके पास, दैट वॉज 2400। उस 2400 में से उसने 600 बचा लिए हैं, इसका मतलब 1800 उसने क्या कर दिए थे, खर्च कर दिए थे। दोनों केस आपके सामने हैं। 2400 में से अगर आप 600 माइनस कर दें तो ये जो अमाउंट आएगा दैट इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये उसका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट स्टिल हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 2400 में से 600 उसने बचाए इसका मतलब 1800 उसने खर्च कर दिए। रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट लॉस और आपका परसेंटेज इतना इजी होता है, बस आपको इसको डेली लाइफ से कनेक्ट बस करने की देर है। क्या आप इसको रूटीन में भी तो करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पॉकेट मनी दी 2400, हमारे पास बचे हैं 600, इट मीन्स हमने 1800 जो अपनी पॉकेट मनी क्या कर दी है, स्पेंड कर दी है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया एक्स से। अब अगर हम इसे एक्स से नहीं करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। लेट द चमेली हैड, एक अंदाज लगा रहे हैं हम, उसके पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज है। 25% शी हैज सेव्ड, ये तो हमने निकाल लिया, ऑलरेडी पता चल चुका है हमें। 75 शी इज स्पेंडिंग मीन्स 25% शी इज सेविंग। 25% ना बोल के मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, 25 रुपीज, बिकॉज 25% ऑफ 100 इज 25। तो अब आपको क्लियर हो चुका है, तो अब आप इक्वेशन बनाएंगे। 25 रुपीज शी हैज लेफ्ट वैन She had total 100 rupees। स्टेटमेंट आप और अपने हिसाब से बेटर बनाइएगा। अब इफ है ना, अब 1 rupees अगर बचते तो उसके पास कितने होना चाहिए था, 100/25 rupees। यूनिटरी मेथड में हम हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनली कितने रुपए बचे हैं उसके पास, इफ शी हैज 600 rupees लेफ्ट देन, तो क्या होगा, 100/25 × 600, 25 4 × 6 4 = 24। तब भी आपका आ जाएगा अगर आप 100 अज्यूम करते हैं, बट 100 जब भी अज्यूम करेंगे तो आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था चमेली मैडम का। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज नंबर 6 which is again very simple. If 60% of population, percent of people, sorry, 60% people in a city like cricket, 30% like football and remaining like other games. Other games. If the total number of पीपल आर 50 लाख, पॉपुलेशन दी हुई है, इफ द टोटल नंबर ऑफ, दिस इज माई नंबर ऑफ
people are 50 lakh. ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, राइट। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। एक कोई टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, उस पॉपुलेशन में से 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस 10% लोग जो हैं वो अदर गेम पसंद करेंगे, बिकॉज टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, उसमें से 60 क्रिकेट 30 फुटबॉल, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि 10% जो हैं वो ना क्रिकेट पसंद करते हैं ना फुटबॉल, वो दूसरे गेम पसंद करते हैं। बाकी सिंपल हमको परसेंटेज सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस हमें स्टेटमेंट लिखनी है। अब हम लिखेंगे 60% पीपल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पीपल इन अ सिटी लाइक्स क्रिकेट, 30% पीपल इन अ सिटी लाइक फुटबॉल, सो इट्स वेरी ऑब्वियस 10% पीपल लाइक रिमेनिंग गेम और अदर गेम, रिमेनिंग गेम्स और अदर गेम्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, रिमेनिंग गेम्स और अदर गेम्स, 60, 30 and 10 रेशो तो हमें टोटल पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, 60% ऑफ 50 लाख निकालना है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, मीन्स कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। अभी परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, नाउ दे वॉन्ट इन द फिगर, नंबर के फॉर्म में वो चाहते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 60% ऑफ टोटल पीपल लाइक्स क्रिकेट, ठीक है। अब हम 60% निकालेंगे ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल ऑलरेडी गिवन है 50 लाख, तो 50 के आगे कितने जीरोस लग जाएंगे, 5 जीरोस, 2 जीरोस यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 30 आ जाएगा 30 लैक्स, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं और 30 लैक्स, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड जो है 30% ऑफ टोटल लाइक फुटबॉल, तो आप क्या करेंगे, 30/100 इंटू 50 लैक्स, टोटल पीपल तो आपको ऑलरेडी दिए हैं, यहाँ भी वही 2 जीरोस कैंसिल, 5 3 15 लैक आ जाएगा ये, ठीक है। और यू कैन राइट 15 लैक। थर्ड इज 10% जो अदर गेम्स पसंद करते हैं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ, 10% ऑफ 50 लैक, वही प्रोसीजर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 5 लैक्स, और यू कैन राइट 5 लैक्स। अब कॉमन सेंस से अगर आप देखें, 30 लैक्स जो हैं वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 15 लैक्स जो हैं वो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, मीन्स 5 लाख जो हैं वो क्या पसंद करेंगे, दूसरे गेम्स, इनको जोड़ दें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 50 लैक्स। तो बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस यहाँ पर केवल हमें ये पता करना था कि कितने परसेंटेज लोग
दूसरे गेम पसंद करते हैं। तो हमने 60 और 30 को ऐड किया, मींस 90% हो गए, 100 में से 90 सब्ट्रैक्ट किए, तो 10% पीपल आर लाइकिंग अदर गेम्स। ठीक है।